मेरठ उप जिला अस्पताल मेंढर के आशा कार्यकर्ताओं ने आज NCDL सेल के प्रभारी नोडल अधिकारी श्री शब्बीर अहमद के खिलाफ आशा कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। सभी डिवीजन मेंढर की महिला आशा कार्यकर्ता इसी बीच चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जावेद अहमद ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने जांच के लिए CMO पूंछ को एक पत्र लिखा है। रिक्वेस्ट है कि जो हमारी यही डिमांड है कि इन्होंने जो इंसेंटिव्स हैं, 70 इंसेंटिव्स हैं, उनका पैसा हमें सिर्फ 5-6 का दे रहे हैं। तो हमारी यही अपील है कि बाथरूम और आपा कार्ड गोल्डन कार्ड का पैसा हमें बिल्कुल नहीं दिया। खुद अपने जेब से पैसे हमने भरे हैं, 5-5 सौ, 8-8 सौ, 1000 रुपया हमने भरा है। हमने खुद फार्म लिए और हमने ये सर्वे किए हैं। आप हमारी यही अपील है कि ये हमारी डिमांड को पूरा करें और ऐसे जो वार्ड इस्तेमाल करते हैं ये बिल्कुल ना करें। तो हमारा हक, हमारी हक है, जो हमारी हमारी यही डिमांड है कि हम अपने बच्चों को छोड़कर सुबह का खाना पकाकर हम उनको दोपहर का खाना जो है वो ऐसे ही छोड़कर आते हैं। पता नहीं बच्चे खाते हैं नहीं खाते हैं, मक्खी हम नहीं देखते, बारिश हम नहीं देखते, धूप हम नहीं देखते। तो लोगों को हमने अवेयरनेस किया, जब ये कुर्सी पर बैठकर ये बोलते हैं कि ये ऐसी हैं, बदतमीजी हैं, बदतमीज आशा हैं, ये हैं, वो हैं, तो ऐसी बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें कौन सा आदमी चाहिए? शब्बीर सर। हमें कौन सा आदमी चाहिए? शब्बीर सर। हमें कौन सा आदमी चाहिए? शब्बीर सर। हमारी आशा वर्कर हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही थी, एक हमारा एम्प्लॉय है उसके खिलाफ, कोई एक ग्रुप है जिस ग्रुप में कोई एक ऑडियो वायरल हुई थी। ऑडियो वायरल होने के बाद जैसे हमारे पास पहुंची, हमने 22 तारीख को उसको यहां से अटैच करके उस CMO ऑफिस के लिए, CMO ऑफिस में इंक्वायरी के लिए भेजा हुआ है। तो जो आज ये आए, आज इनको हमने वो चीज़ें बताई कि हमने उसके ये आज हमारे पास 24 को आए, हालांकि हमने एक्शन को 22 तारीख को किया हुआ है।